आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम लोग पहले भी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़े थे। सबसे पहले याद रखना है, दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। ठीक है, पहला क्या याद रखना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये यहाँ पे देखो, ये वर्ड आया है ट्राई से आया है, है ना, जिसका मतलब होता है तीन, और जी ओ एन गॉन का मतलब होता है साइड्स, यानी कि ये बेसिकली थ्री साइड्स वाला जो है उस पे ये क्या है, उस पर ये आधारित है। ठीक है, तो तीन साइड किसका होता है, ट्रायंगल का होता है। तीन साइड आप किसका होता है, ट्रायंगल का होता है। लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये आपका दो चीज़ पे बेस्ड है। एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पर है, और दूसरा इसका संबंध ज्योमेट्री से भी है। ठीक है, इसका यूजेस जब आप लोग और आगे की क्लासेस में जाओगे तो आप इसको इंजीनियरिंग में भी पढ़ोगे, जिसका यूज़ कंस्ट्रक्शन वर्क, जो टनल वगैरह बनता है, ये सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस इसके बाद वाला चैप्टर है, चैप्टर 9, उसमें भी पढ़ेंगे। समझ में आया? ये चैप्टर बहुत आसान है, देखने में तुम लोग को थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन जब पढ़ने लगोगे ना तो बहुत ईजी है। अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से समझो, जो लोग नहीं समझे हैं वो फिर से एक बार समझ लेंगे, हम एक बार और रिवाइज करा रहे हैं। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है। आपने पढ़ा है कि 90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल होता है, इसमें हम जिस, तुम लोग अभी जिसके ऊपर खड़े हो, ये बेस है बेस, तो ये बेस है। बेस को हिंदी में कहा जाता है आधार। क्या कहा जाता है? आधार। ठीक है, ये जो सीधी लाइन है ये पी होती है, पी मीन्स परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, हिंदी में इसको लंब कहते हैं। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये होता है एच, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि आधार क्या है, लंब क्या है और कर्ण क्या है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको समझ आ गई। ये किस ट्रायंगल में होगा? 90 डिग्री वाला, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आपको हमेशा जानना है कि एच जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। क्या होता है? सबसे लंबी भुजा होती है एच। ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगा। इतना समझ में आया? लेकिन अगर हम इसी में, यहाँ देखो, इसका नाम हम B ले लिए, C और A। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मान लो B के लिए, तो B के लिए H तो यही रहेगा सबके लिए। ठीक, और ये होगा B, ये होगा P, इस के लिए ये एच, ये बी, ये पी। बट अगर हम बोल दें कि, अगर हम बात करें इसकी, ये देखो, ये सी की बात करें, एंगल सी की बात करें, ठीक है, तो सी के लिए ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा एच। लेकिन अगर हम बात करें ए के लिए, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एच। अंडरस्टूड है? अब यहाँ देखिए, ये हमने समझ लिया किसके लिए पी है, किसका बी होगा, कब एच होगा। अब ये देखो, अब यहाँ देखो, अब हम लोग ये समझ गए P और B। ये बहुत आपको ये याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी A एंगल पे दे देता है, उस टाइम पे P अलग होगा, B अलग होगा, ये ध्यान रखना। अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो पूरा मैथ आपका गलत। समझ आया इतना? अब हम दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे, वो है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको तीन चीज़ याद रखनी होगी, साइन, कॉस। कॉस को कोसाइन भी कहते हैं, और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस। साइन,
कॉस और एक होता है टेन, क्या होता है? अब यहाँ देखो, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, साइन कॉस और टेन। साइन के लिए याद रखिएगा पी बाय एच होता है, किसके लिए? साइन के लिए। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है? कॉसेक होता है, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। और कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। आपको पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना होगा कि साइन का होता है पी बाय एच, साइन का उल्टा क्या होगा? साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक। क्या होगा? कॉसेक का होगा एच बाय पी। सेक का क्या होगा? बी बाय एच, एच बाय बी, ठीक है। सुने, साइन का क्या होगा उल्टा? कॉसेक। कॉस का सेक। टेन का कॉट, ठीक है। टेन का होता है पी बाय बी, तो कॉट का क्या होगा? बी बाय पी। अंडरस्टूड है इतना? तो हमने क्या जाना, कितना उसमें टोटल है? छः है क्या? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। साइन का उल्टा कॉस का, टेन का याद रहेगा, छः फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब हम लोग 8.3 जो पढ़ेंगे, इसमें आपको कुछ कुछ याद रखना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या क्या याद रखना है। सुनिए, देखिए फॉर्मूला आप इजीली याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस होता है, ठीक है। कॉस ए आप याद रखिएगा, साइन का कॉस के साथ रिलेशन, कॉस का साइन के साथ उल्टा, कॉट का टेन के साथ, सेक का कॉसेक के साथ, याद हो गया, ठीक है। आपको अब यहाँ पे कैसे मैथ सॉल्व करना है, अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज 8.3 जो है, इसमें हमको क्या करना है। हमने पढ़ा था कि साइन ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस ए, यही पढ़ा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा है, बात को ध्यान से समझो, क्वेश्चन में कहा है कि साइन 18 डिग्री है, नीचे क्या लिखा है? कॉस 72 है। तो अगर हम ऐसे लिख दे कि साइन 90 डिग्री माइनस 72, तो क्या आएगा? कॉस 72 आएगा, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस ए, तो कॉस ए, यहाँ 72, तो हमने यहाँ भी 72 डाला है। बात समझ आई है? हाँ, तो अब हम क्या करें, हमने ये किया कि यहाँ पे कॉस 72 आ गया और यहाँ पर कट करके वो 1 हो गया। अंडरस्टूड है, समझे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टेन 26 डिग्री बाय कॉस 64 डिग्री है। हमको एक को चेंज करना है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। नीचे है कॉट ए डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री या 64 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले को चेंज किया है, 10 26 डिग्री का मैंने लिखा है 10 90 माइनस 64 डिग्री, तो आ गया कॉट 64 बाई कॉट 64, दैट इज 1। समझ में आया? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको डिवाइड में नहीं है, माइनस है, तो कॉसेक 31 को कॉसेक 31 ही लिख दिए हैं, सेक को बदले हैं, सेक 59 है, इसको हम लिखे सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, क्योंकि 90 से 31 माइनस करोगे तो 59 आएगा, 90 से 31 माइनस करोगे 59 नहीं आएगा,
आएगा ना। तो हमने 59 को तोड़ दिया, 90 माइनस कितना 31 डिग्री। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अब sec 90 माइनस 31 इज cosec 31 डिग्री होगा। ये हो गया, आया समझ में? किसी को दिक्कत होगा तो हमसे दोबारा पूछो, क्योंकि हम पहले भी ये बताए थे कल, ठीक है उसका। हम अब यहाँ देखो, ये वाला सवाल देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? इसके बीच में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है, है? यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया है, हमको सो करना है, सिद्ध करना है। दो चीज है, LHS, RHS। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम वन प्रूफ कर देते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 1048 है ना, 1023 है, 1042 है, 1067 है। मैंने क्या किया है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, 48 को 48 ही लिख दिए, 23 को 23 ही लिख दिए, 1042। अगर हम 90 में 48 माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा, आएगा ना। हमने यहाँ लिख दिया 90 डिग्री माइनस 42 लिख दिया, लिखा है। और यहाँ भी 67 को 90 से 23 माइनस करेंगे, 67 आ जाएगा। समझ रही हो? लिख दिए। अच्छा बताइए, यहाँ 1090 डिग्री माइनस 48 डिग्री है, तो 10 किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो यहाँ हो जाएगा कॉट 48 डिग्री, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो अभी हमने देखा था। और 1090 डिग्री माइनस 23 डिग्री है, तो कॉट 23 डिग्री होगा, होगा कॉट ए। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुम लोग सिमिलैरिटीज देखो, क्या सिमिलैरिटीज देखना है? यहाँ देखो, कॉट को उलट दिया, कॉट का उल्टा 10 होता है, तो 1/10 48 लिख दिए। कॉट का उल्टा 10 होता है, 1/10 23 लिख दिए। बीच में क्या है, इनटू है, ये और ये कट गया, ऊपर नीचे ये और ये एक आ गया। समझ आया? दूसरा क्वेश्चन देखो, ये देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में हमको क्या करना है, कितना लाना है, जीरो, कितना जीरो। हमने क्या किया, कॉस को लिख दिया, कॉस 52 डिग्री को हमने चेंज कर दिया, 90 से 38 माइनस करेंगे तो 52 आएगा, आएगा। अब यहाँ देखिए, कॉस ये तो साइन में चेंज हो गया, ये ऑलरेडी है, ये साइन में चेंज हो गया, हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात हम तुम लोग को बता देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, साइन 38 डिग्री इंटू कॉस 38 है, एक होगा, साइन 38 और कॉस 38 है, एक होगा, एक माइनस एक, समझ आया? यहाँ देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दिख रहा है? देखिए, 10 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री है ना। तो 10 2a को क्या हम लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ हमने लिख दिया, इसको लिख दिए, ये ऑलरेडी इधर वाला लिख दिए, कॉट a, कॉट a कट गया, बचा क्या, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। a को a के साइड कर दो और 90 को 18 के साइड, तो क्या होगा, अगर ये माइनस 2a, ये प्लस a इधर आके माइनस a होगा, होगा, और 18 डिग्री है, ये इधर आके माइनस 90 डिग्री होगा, होगा। सॉल्व करना आप लोग में से किसको किसको आता है, सबको आता होगा, आएगा।
माइनस थ्री ए इक्वल्स टू माइनस 108, ए माइनस माइनस कट गया, ए इक्वल्स टू 3 इंटू में है उधर जाके डिवाइड कट जाएगा, 3 3 9 3 6 18, ए इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। समझ आया इतना? अगर ए आ गया तो आपको निकालना क्या है, बस आपको यही तो निकालना है वैल्यू ऑफ ए, ठीक है? समझ आया? कोई प्रॉब्लम? बी नंबर देखिए आप, टेन ए इक्वल्स टू कॉट ए, प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 है। क्या हम कॉट बी को लिख सकते टेन 90 डिग्री माइनस बी? उल्टा, कॉट का उल्टा टेन होता है, टेन बी है तो कॉट बी है तो टेन 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। टेन टेन कट गया, ए इक्वल्स टू क्या आया 90 डिग्री माइनस बी, माइनस बी उधर जाके क्या होगा प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, प्रूफ हो गया। समझ आया? आया? कितना तक हमने बताया? फोर तक, फोर तक आपको बनाना है पहले।